फाइनली हमारा जो केदारनाथ और बद्रीनाथ का ट्रिप था, काफ़ी टाइम से हमने सोचा हुआ था, फाइनली वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं और मेरा फ्रेंड है, पिछली वीडियो में आपने उसे देखा होगा तो पहचान जाएंगे, सुंदर। तो हम दोनों आज निकल रहे हैं बाइक से, बस मैं तो रेडी हूँ, उसी का वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में वो आता तो निकलते हैं हम यहाँ से आगे। अभी मैं हूँ कपकोट में, तो कपकोट से हम यहाँ से निकलेंगे, कपकोट टू बागेश्वर, बागेश्वर से आगे गरुड़ ग्वालदम वाली रोड से होते हुए कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से आगे जाएंगे हम रुद्रप्रयाग, उक्की मठ, जोशी मठ, सारा एक क्रम है। तो घूम फिर के बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों के दर्शन करके वापस घर को आएंगे। तो आपको पूरा सफ़र मैं दिखाऊंगा, वीडियो पे बस बने रहिए। तो फ्रेंड मेरा सोनू पहुँच चुका है, देख सकते हैं पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो अब हम यहाँ से सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कपकोट से, आगे चल के बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह आपको दिखाएंगे और मज़े तो हम भी लेंगे और आप भी वीडियो के थ्रू केदारनाथ बद्रीनाथ घूम के आएंगे। तो चलो सफ़र कंटिन्यू करते हैं अपने। तो फाइनली हमने अंधेरा क्रॉस कर लिया है, अभी मॉर्निंग हो चुकी है, देखिए उजाला हो चुका है, अंधेरा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। 5 बजे हम कपकोट से निकले थे, तो हम कपकोट से बागेश्वर, बागेश्वर से गरुड़ वाले डंगोली वाले रूट पर हम कटे। अब ये डंगोली की मार्केट है, देखिए यहाँ पे चाय वाय पी के हम आगे बढ़े हैं। डंगोली में मैं पहले भी आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है माता रानी का, यहाँ पे मेला भी लगता है और यहाँ पे मेरे फ्रेंड कृपांशु का घर भी है। तो डंगोली पहले भी आया हूँ उसके घर पे। ये देखिए सामने उसका घर। अब नीचे ओवरब्रिज आएगा, यहाँ से ब्रिज को पार करके हम ये रोड निकलता है थराली ग्वालदम होते हुए कर्णप्रयाग। धीरे धीरे धूप भी निकल ली ऊपर को, तो ब्रिज पार करके अब यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो चढ़ाई पार करनी है, अब ठंडी हल्की हल्की है, ठीक है। रूट कहीं पे ठीक ठाक है और कहीं पे बहुत खराब है, देखिए मशीनें लगी हुई, काम चल रहा है जगह जगह पे मशीनों ने। नीचे देखिए कितने पत्थर वगैरह, नीचे जो नदी दिख रही है आपको, ये पिंडर नदी है, बहाव काफी है। पीछे देखिए लाइन कितनी लंबी लग चुकी है। ये अब हम नारायण बगड़ में, नारायण बगड़ से अब आगे हम निकलेंगे। आगे देखिए ब्रिज दिख रहा है यहाँ से सामने, तो हम थोड़ी देर में कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे बोर्ड देखिए, ऊपर केदारनाथ, नीचे बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग की मार्केट। तो नीचे जाएंगे, नो एंट्री का बोर्ड लगा है, अच्छा ये 4-व्हीलर के नो एंट्री का बोर्ड है। तो हम मार्केट की ओर पे निकलेंगे, दुकानें सारी खुल चुकी हैं, देखिए भीड़ भाड़ भी नहीं है ज़्यादा, सही रहा। और बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए थोड़ा रोड काफ़ी नहीं लगा। यहाँ से सीधे गौचर, गौचर से रुद्रप्रयाग होते हुए निकलता और हम राइट को रूट हमने चेंज किया, ये बद्रीनाथ को निकलता सीधे। ब्रिज काफ़ी बड़ा है, देखिए यहाँ से आगे हम निकलेंगे। भूख भी लगने लगे धीरे धीरे, 10:30 होने वाला है, खाया कुछ है नहीं, देखते हैं आगे कुछ अच्छा सा मिलता है कहीं पे तो रोकते हैं। 125 किलोमीटर समथिंग और बचा हुआ है यहाँ से अभी ट्रेवल हमारा, जिस हिसाब से रूट है तो टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम हैं कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग पहुंच गए, समथिंग हमने 120 किलोमीटर का जो सफ़र अपना तय कर लिया, अपनी धंधों खड़ी है पीछे। तो अभी हम रुके हैं जस्ट फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, तो सोचा कि कुछ खा लें पहले, फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। अभी हमको यहाँ से बद्रीनाथ के लिए समथिंग 120 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, तो थोड़ी देर धंधों को भी रेस्ट मिल जाएगा और हम भी पेट पूजा वगैरह कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे का सफ़र दिखाते हैं। क्योंकि रोड ये है कि कहीं पे ठीक है, 4x4 लाइन काम हर जगह चल रहा है कंटिन्यूस, तो कहीं पे यहाँ पे रोडीज़ वगैरह भी हैं, रोडी वगैरह
रोड पर फैली हुई है, काम चल रहा है। पीछे देखो मशीनें, मशीनें आपको जगह जगह दिख जाएंगी यहाँ रोड में, जगह जगह यहाँ मशीनें लगी हुई हैं और काम चल रहा है। बहुत जल्द यहाँ की रोड बन जाएगी, तब गाड़ी भागेगी दुगनी स्पीड में। तो भैया अब गर्मा गर्म पराठे खाएंगे हम। सोनू भाई है पीछे बैठे बैठे, थक तो नहीं है भाई? है नहीं तो कम, बढ़िया मजा आ रहा है सफ़र का मजा लेते हुए। गर्मा गर्म पराठे खाते हैं फिर आगे को निकलते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा सफ़र है और गाड़ी मैंने ही चलानी है, इसको तो आती नहीं है चलानी। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, ब्रेकफास्ट के बाद हम सफ़र आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रूट देखिए, रूट काफ़ी डेंजरस भी कह सकते हैं, बिल्कुल टायर रपटने वाला सीन हो रहा है। ठीक है, गाड़ी की भी अच्छे से हालत ख़राब हो चुकी है और अपनी तो धीरे धीरे हो ही रही है। रूट काफ़ी गंदा है, बोलते नहीं, कहीं कहीं पे बहुत अच्छा है और कहीं कहीं पे बिल्कुल ख़त्म। देखो बाइकर से सभी जा रहे हैं, डबलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, रूट की वजह से मात खा जा रहा है। लेकिन ये है कि ठीक है, काम चल रहा है, इन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। इन फ्यूचर मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये देखिए आगे मशीनें अभी यहाँ पे लगी हुई हैं। बाइक के सॉकर वॉकर मतलब यहाँ से जाते ही बाइक की पहले दोबारा सर्विस करानी है ढंग से। तो देखिए अभी हम जस्ट काफ़ी हार्ड ट्रेवल के बाद रुके हुए हैं। आर्मी वाले काफ़ी दिख रहे हैं बाहर, आर्मी वालों की गाड़ियाँ काफ़ी अप डाउन कर रही हैं। चमोली से हम आगे पहुँच चुके हैं, चमोली क्रॉस कर लिया हमने। अब इसके बाद जोशीमठ हम पहुँचेंगे, यहाँ से आगे काफ़ी चढ़ाई है। रूट बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल बाइक और पूरी बॉडी सेक कर रही है, बट सही है। चलो मंजिल पे पहुँच के रेस्ट करेंगे आप। देखिए नीचे, देखिए डाउन कहाँ से हम आ रहे हैं, पहाड़ों के रास्ते लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पूरा घुमावदार बिल्कुल। ये देखिए जोशीमठ से हम आगे आ चुके हैं, रास्ता देखिए अब पूरा यहाँ से मंदिर तक ऐसी है। मशीनें जगह जगह लगी हुई है, काम चल रहा है। देखिए ये ब्रिज है आगे, एक तो रूट बिल्कुल गंदा, ऊपर से चढ़ाई काफी है, मतलब ये मान के चलो कि बाइक हुई दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा गियर तो जा ही नहीं रहा। देखिए कितनी हाइट पर आ चुके हम, गाड़ियाँ देखिए नीचे से आ रही हैं धीरे 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 धीरे। अपना ई पास चेक करवा के हम ऊपर चढ़ चुके हैं। पहाड़ी देखिए धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, रात्रि होने वाली भाई। तो फाइनली हम बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं और होटल वगैरह हमने ले लिया डबल बेड का। यह होटल कंबल, इधर क्या सोनू बेड एक्सचेंजिंग रूम, अच्छा कपड़ा वपड़े लटकाने का यहाँ। और बाथरूम कैसा है? सही है, गीजर वीजर लगाना बढ़िया है, सही यार नहा लेंगे। वैसे तो कुंडे में भी नहाएंगे, एक बार रूम पे भी नहा लेंगे अभी। वाओ सही है, रूम अच्छा है। चलो अब रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर डिनर के लिए भी निकलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं आप मंदिर की ओर को। आधा किलोमीटर चलना बस यहाँ से, बस पहुँच जाएंगे मंदिर। मॉर्निंग वॉक की वॉक हो जाएगी, यहाँ पे गाड़ी लेके कौन जाएगा यार इतने में भी। ड्रीम कम ट्रू हो रहा है फाइनली। अलकनंदा नदी है, अलकनंदा बह रही है, अलकनंदा के तट पर है बद्रीनाथ धाम।
तो अब हम मंदिर वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। सामने देखिए मंदिर दिख रहा है, ये हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। नीचे नदी बहती हुई है अलकनंदा, उसी के ऊपर ब्रिज है जो उसे क्रॉस कर रहे हैं। जय बाबा बद्रीनाथ। हम चलो मंदिर चलते हैं, भीड़ भाड़ तो ज्यादा दिख नहीं रही है, देखो आगे क्या हाल होता है। चल पहले यहाँ शूज वगैरह उतार ले, प्रसाद भी लेने होंगे ना अभी आगे। तो अब हमने शूज वगैरह ओपन कर लिए और प्रसादी वगैरह हमने ले लिए, तो मंदिर प्रांगण की ओर को हम प्रस्थान करते हैं। बद्रीनाथ जो है ये ऑन रोड ही, ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस ज़्यादा 500 मीटर का है पैदल, इजीली आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मंदिर का जो बाहर का हिस्सा, इससे अंदर जो मेन गर्भ है वहाँ कैमरा वगैरह अलाउड नहीं। भीड़ भाड़ तो ज़्यादा है नहीं, सुबह के 7 बजे। चलो आगे देखते हैं, आई थिंक लाइन लग रही है, आगे लाइन लगा लेते हैं, अपने नंबर का वेट करते हैं। ये देखिए पीछे लाइन कितनी लंबी है, बट ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा, 10 से 15 मिनट में खाली हो जाएगा पूरा। तो दर्शन करके अब मैं बाहर आ चुका हूँ, देखिए लाइन वार कैसे लगे हुए हैं लोग दर्शन के लिए। प्रसादी वगैरह हमने मंदिर में चढ़ा दी है और जो प्रसादी है मंदिर की घर के लिए भी ले ली, गंगा जल वगैरह हमने सब कुछ ले लिया। लोग देखिए सभी को वीडियो कॉल में दर्शन करवाना, अपने घर वालों को, अपने जानकारों को, जानकार वालों को। मैंने भी अपने घर में सभी को वीडियो कॉल से दर्शन करा दिए मंदिर के, सुबह सुबह अपने फ्रेंड लोगों को। तो देखिए कैसा विशाल आदि बद्री का ये दरबार है, जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, भीड़ उमड़ती है यहाँ पर। इस बार कोरोना के दौरान थोड़ा भीड़ कम है। ये मंदिर का आउटर साइड देखिए, दुकान वगैरह जहाँ प्रसादी, धूप, अगरबत्ती और जो भी घर के लिए अगर आप ले जाना चाहते हैं, पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, माला, कड़े, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज हम हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो अपने उत्तराखंड का चार धाम जो हैं, उसमें एक प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम है। नीचे देखिए तप्त कुंड, जहाँ से धुंध हल्की सी निकल रही, गर्म पानी का जो कुंड है। बद्रीनाथ धाम जहाँ के कण कण में हरे विष्णु बसते हैं, ऊपर देखिए नारायण पर्वत पे हल्की हल्की धूप पड़ते हुए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार बोला जाता है कि ये इस स्थान पर भगवान विष्णु ने घोर तप किया था। जब वो तप में विलीन थे तो यहाँ पे काफ़ी आंधी तूफान बर्फबारी हो गई थी, तो उन्हें बचाने के लिए माँ लक्ष्मी ने यहाँ पे बद्री के वृक्ष का जो रूप धारण किया था उनको बचाने का। इसी से प्रसन्न होकर बाद में उन्हें विष्णु जी ने वर दिया कि मेरे साथ साथ यहाँ पे तुम्हारे भी पूजा होगी। नीचे अलकनंदा बहते हुए और सामने तप्त कुंड, जिस स्थान पे भगवान विष्णु ने तप किया था वो स्थान यहाँ पे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। पीछे देखिए काफ़ी क्राउड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप लोग आ सकते हैं। कोरोना के कारण इस साल तो यहाँ पे यात्रा में ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं, लेकिन आप लोग आइए, इजीली यहाँ पे होटल वगैरह अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं आपको, पार्किंग वगैरह का कोई इश्यू नहीं है। होटल वगैरह भी नॉर्मली आपको 1000 रुपये से स्टार्टिंग मिल जाती है, और अच्छा लग्जरी आप चाहते हैं तो उस टाइप के होटल भी यहाँ पे हैं। और नॉर्मली अगर आप बजट वाला होटल चाहते हैं कि आवास गृह जो होते हैं, तो 100 से 150 रुपये में आपको इजीली यहाँ पे बेड अवेलेबल हो जाते हैं, यात्री आवास भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे नॉर्मली एक बड़े हॉल में मल्टीपल बेड्स लगे हुए हैं 50 से 60, तो इजीली आपको 100 से 150 रुपये में यात्री आवास में यहाँ पे, बस आधार कार्ड, अपना जो आईडी प्रूफ हो वो साथ लेके चलिए, इजीली आपको बेड अवेलेबल हो जाएंगे। तो काफ़ी सुकून वाली जगह है, आइए दर्शन कीजिए, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। अलकनंदा नदी के तट पे जो बद्री धाम बसा हुआ है, तो अब हम वापसी करेंगे धीरे धीरे, बट यहाँ से थोड़ा आगे माड़ा गांव जो पड़ता है लास्ट विलेज, वहाँ के दर्शन भी हम करके आते हैं पहले। तो अब हम ये माड़ा गांव की ओर को निकल चुके हैं। रोड काफ़ी भयंकर है, ऑफ रोड है पूरा, तो ऑफ रोड होते हुए निकलते हैं आगे को, समथिंग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है। माड़ा गांव भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग आएंगे तो ज़रूर जाइएगा वहाँ पे।
देखिए कितना ऑफ रोड है पूरा। आर्मी वाले काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे, आई टी बी पी वालों का पूरा पीछे, वो देखिए पार, नदी के पार एरिया काफ़ी बड़ा है, ये देखिए आर्मी वाले। तो जो ये माना गांव है, इससे आगे कोई गांव नहीं है, लास्ट विलेज कहलाता है यहाँ से। इससे आगे फिर 25 किलोमीटर आगे ये इंडो तिब्बतियन जो बॉर्डर है वो लग जाता है। धूप खिलती हुई, प्रकृति का अद्भुत खूबसूरत नजारा देखिए। ये पार पूरा आर्मी वाला एरिया, नीचे नदी कल कल बहते हुए, बहुत प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे, 3-3.5 किलोमीटर आगे है, ऑफ रोड है, बन रहा, काम चल रहा है। तो यहाँ का इंडिया का लास्ट विलेज जो है, जिसे बोलते हैं इंडिया का लास्ट विलेज, माणा बद्रीनाथ से आगे, लेकिन ये इंडिया का है नहीं, ये उत्तराखंड का लास्ट विलेज है। ये आगे पूरा, ये पूरा गाँव पड़ता है आगे, पहाड़ियाँ देखो कितनी मस्त लग रही हैं। और यहीं पर पास में नीचे देखेंगे तो अलकनंदा नदी बहती है यहाँ पर नीचे, नीचे देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कल 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 बिल्कुल बहते हुए जा रही नीचे, बद्रीनाथ के होते हुए जाती है, क्योंकि अलकनंदा नदी के जस्ट किनारे पे ही बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। और ये सामने देखो आर्मी कैंप बहुत बड़ा है, बिल्कुल आर्मी वालों का पूरा एरिया है। तो दोस्तों ये जो माणा गांव है, ये हिस्ट्री से काफ़ी जुड़ा हुआ है, हमारे जो पौराणिक कथाओं के अनुसार बोले तो यहाँ काफ़ी कुछ देखने को है। अगर मैं अंदर जा पाता तो आप लोगों को उसके दर्शन भी कराता। एक्चुअली कोरोना के कारण गांव वालों ने यहाँ पे बैरियर लगाया हुआ है, यहाँ से आगे हम आगे नहीं जा सकते, यहाँ से गांव के अंदर एंटर नहीं कर सकते। यहाँ अगर हम बताऊँ मैं आप लोगों को, तो यहाँ गांव के अंदर देखो व्यास गुफा हो गई, गणेश गुफा हो गई, वसुधारा यहाँ है, स्वर्गरोहिणी यहाँ है। तो ऐतिहासिक कहानियों से ये इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से जो पांडवास थे महाभारत में, जो पांडवास थे, पांडवास जब स्वर्ग की ओर को गए थे तो इसी गांव से होके गए थे, यहीं से स्वर्ग का जब द्वार खुलता है स्वर्गारोहणी। और आप लोग घूमने के इच्छुक है, ट्रैक करने के इच्छुक है, तो यहाँ पे वाटरफॉल जो बहुत वसुधारा बहती है बहुत ऊँचे, ट्रैक करके 6-7 किलोमीटर ऊपर जाके ट्रैक करके वसुधारा बहती है। और इसको डीप में जाएँ तो यहाँ पर जो सरस्वती नदी बहती है, इसके बारे में भी जो हिस्ट्री है काफ़ी पेचीदा टाइप की, दो इसके बारे में पौराणिक कथाओं के अनुसार जाएं तो दो कथाएं बनती हैं। पहली तो ये है कि यहाँ पे व्यास गुफा और गणेश गुफा है, यो इसलिए क्योंकि इसी गुफा में गणेश जी ने व्यास जी के कथा कथनानुसार महाभारत लिखी थी। जब उन्होंने महाभारत लिखी तो सरस्वती नदी का काफ़ी शोर हो रहा था, जब उन्होंने रिक्वेस्ट की सरस्वती नदी से कि शोर ना करे, जब सरस्वती नदी मानी नहीं तो गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि यहाँ से आगे तुम्हारा कोई भी वजूद नहीं होगा, ना तुम दिखाई दोगे ना सुनाई दोगे। तो दोस्तों यहाँ सरस्वती का उद्गम तो दिखता है, लेकिन वो आगे कहाँ जाती है किसी को नहीं पता, वो नीचे नीचे समा जाती है और सीधे अलकनंदा में कहाँ मिलती है किसी को नहीं पता, सिर्फ उसका उद्गम दिखता है। और दूसरी कथा है, जब महाभारत के टाइम पर पांडवा स्वर्ग की ओर को यहाँ से जा रहे थे, तो उस टाइम पर सरस्वती नदी ने बाकी पांडवास को तो ठीक है, लेकिन द्रौपदी को नदी पार करने के लिए मना कर दिया। तो जब उसने द्रौपदी को जाने नहीं दिया तो भीम ने अपनी गदा की चोट से उसे पाताल लोक भेज दिया और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, पुल टाइप का बना दिया, जहाँ पे भीम पुल भी उसको बोलते हैं, वो भी यहीं है भीम पुल, वो भी बहुत लोकप्रिय है यहाँ पे। तो खेद है काफ़ी मुझे भी कि मैं यहाँ से आगे जा नहीं सकता, वैसे तो कपाट मंदिर वगैरह के सब खोल दिए 1 अक्टूबर से सभी के लिए, लेकिन गाँव वाले अंदर आने नहीं दे रहे, नहीं तो मैं सब कुछ आपको दिखाता। और बाकी चीज़ें यहाँ की चाय जो होती है इंडिया के, आगे अगर आप देखोगे तो हर दुकान में आपको यही मिलेगा कि इंडिया द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ की चाय के बागान, चाय के पत्ते वगैरह, और जड़ी बूटियाँ, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ यहाँ काफ़ी कुछ मिलता है, और हैंडमेड चीज़ें भी काफ़ी होती हैं यहाँ। तो अब लगभग नवंबर के टाइम पर, अप्रैल के टाइम पर यहाँ मंदिर के कपाट खुलते हैं और नवंबर तक ये रहता है, मिड तक, तो उसके बाद 6 महीने वो जब बंद हो जाता है तो यहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हो जाती है। तो ये पूरा गांव जो है माणा गांव लास्ट विलेज, ये पूरा बर्फबारी से ढक जाता है, तो इसलिए यहाँ के लोग यहाँ से नीचे चले जाते हैं अपने दूसरे बसेरों में। और यहाँ के लोग हैंडमेड चीज़ें भी काफ़ी कुछ बेचते हैं यहाँ पर। तो यही इस माणा गाँव की जो है हिस्ट्री है।
और काफ़ी ये इसलिए भी जाना जाता, लोग बोलते हैं ऐसा कि अगर माणा गांव में किसी ने कदम लग रख लिया यहाँ तो उसके भाग मतलब खुल जाते हैं, ये बोलते हैं यहाँ पे। आप लोग भी कभी टाइम मिलता है तो आइए घूमिए। अभी इस टाइम पे तो कोरोना ने सब वाट लगा दी है क्योंकि खुला नहीं है, अंदर जा नहीं सकते, लेकिन जितना मैं आप सबको बता सकता था मैंने बताया। तो आप लोग ये सब देखिए और कभी टाइम मिले तो ज़रूर आइए। तो दोस्तों वेरी शॉर्ट बट डिटेल्ड में मैंने आपको बद्रीनाथ के जो दर्शन वो करा दिए हैं, डिटेल वगैरह मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो आप लोग आइए यहाँ, पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं तो वेल सर्विस्ड आपकी गाड़ी होनी चाहिए तो इजीली आप आ सकते हैं। जोशीमठ आपको रास्ते में पड़ेगा ही, जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ, चढ़ाई काफ़ी है तो गाड़ी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए आपकी। तो आइए दर्शन कीजिए और मेरी इस वीडियो को देख के प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। जय बद्र विशाल।